हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ RRB NTPC लेवल 2 और लेवल 5 का जो फाइनल कट ऑफ रह सकता है टाइपिंग टेस्ट के बाद, जो फाइनल कट ऑफ रह सकता है सिलेक्शन के लिए, वो मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेवल 2 का कट ऑफ कितना गया है, और इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि लेवल 2 में आपका जो है कौन कौन से पोस्ट आते हैं और कितनी वैकेंसी है RRB गोरखपुर जोन में। ठीक है, तो लेवल 2 में जो आपका पोस्ट आता है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी कितनी 259 पोस्ट है। ठीक है, और सेकंड क्या आता है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी 82 सीट है यहाँ पे। ठीक है, टोटल अगर ऐड करेंगे तो ये आपका 341 हो जाएगा लेवल 2 में, जो टाइपिंग पोस्ट के लिए जिनके लिए कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 341 सीट के लिए जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट ऑफ गया है अभी, जब जो है यहाँ पे एक सीट के लिए, एक सीट पे 8 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो जो कट ऑफ गया है वो कंपैरेटिवली जो है लो गया है अदर जोन की तुलना में बात करें तो। तो यहाँ देखिए जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 73.27 गया है। ठीक है, अभी जब 8 कैंडिडेट जो है एक सीट पे शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो SC कैटेगरी का कितना गया 58.82, और ST का गया है 52, और OBC का यहीं पे OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 68.57। और हम बात करें यहाँ पे EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 64.87 गया है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एक सर्विस मैन का भी आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल SC ST OBC और EWS। ठीक है, EWS आपका यहाँ पे है, OBC, तो ये सारा जो है कट ऑफ आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, अब हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं जो जनरल SC ST OBC लेवल 2 का फाइनल कट ऑफ रह सकता है आपके टाइपिंग टेस्ट के बाद। टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं और इसका कट ऑफ एक आध नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं इस बार की इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो हम इंक्रीज लेके आपको कट ऑफ बता रहे हैं कि कट ऑफ कितना फाइनल कट ऑफ जाने वाला है लेवल 2 का। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ आपका रह सकता है वो 75 ± 2 मान के चलिए जनरल कैटेगरी का आपका कट ऑफ रहने वाला है इस बार लेवल 2 का। ठीक है, और यहीं पे SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है वो है 60 ± 2। ठीक, SC कैटेगरी के कैंडिडेट को 60 ± 2 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ST कैटेगरी। ठीक है, ST कैटेगरी का कितना कट ऑफ रह सकता है, तो ये आपका रह सकता है 54 ± 2। ठीक है, ये लेवल 2 का कट ऑफ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ RRB गोरखपुर जोन का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें OBC का, OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है वो 70 ± 2। ठीक है, आप अगर OBC कैटेगरी के हैं तो इतना स्कोर करने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, 70 ± 2। ठीक है, अब यहीं पे EWS का सेफ स्कोर हम लोग देख लेते हैं। EWS का जो सेफ स्कोर है वो लगभग 66 ± 2 रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारा जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप लोगों के लिए लेवल 2 का, जो कि फाइनल जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए जो है फाइनल कट ऑफ आप लोगों का है। ठीक है, देख लेते हैं लेवल 5 का जो अभी कट ऑफ गया है, जो कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, यहाँ पे एक सीट के लिए जो है 8 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं लेवल 5 में भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेवल 5 में कौन कौन से पोस्ट आपके हैं। तो इसमें है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी है 108 है। ठीक है, और एक और इसमें पोस्ट है जो कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और इसका जो टोटल वैकेंसी है 169 है। ठीक है, लेवल 5 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ RRB गोरखपुर जोन की। ठीक है, तो इसको आप अगर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 277, और इस 277 वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका मैं यहाँ पे सबसे पहले कट ऑफ देख लेता हूँ अभी कितना कट ऑफ गया है, उसके बाद देखेंगे फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का कट ऑफ गया है वो 70.33। ठीक है, और SC कैटेगरी का कैंडिडेट जो है 53 मार्क्स स्कोर करके जो है बिल्कुल सेफ है और शॉर्टलिस्ट हो गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, ST कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 43 गया है, और OBC कैटेगरी का 64.33 पे सिलेक्शन हो गया है अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं EWS का, तो EWS का जो अभी कट ऑफ गया है 63.33 गया है। ठीक है, और ये आपका एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे कट ऑफ दे रखा है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं जो अभी फाइनल कट ऑफ आपका जा सकता है, जबकि टाइपिंग टेस्ट के बाद, टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं
तो आपका चांस है कि थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो आप अगर 72 प्लस माइनस 2 स्कोर कर रहे हैं लेवल 5 में, तो आप बिल्कुल चांस है कि आप जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है, तो ये आपका 54 प्लस माइनस 2, एससी कैटेगरी के लिए फाइनल कट ऑफ जो रहने वाला है वो 54 प्लस माइनस 2 रहने वाला है। ठीक है, यहीं पे एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के लिए 44 ही सफिशियंट होगा प्लस माइनस 2। ठीक है, 44 प्लस माइनस 2 अगर स्कोर कर रहे हैं एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट तो बिल्कुल सेफ जोन में है। और यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 66 प्लस माइनस 2 बिल्कुल सेफ जोन है। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हैं 66 प्लस माइनस 2। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 65 प्लस माइनस 2 बिल्कुल सेफ जोन होगा। ठीक है, 65 प्लस माइनस 2 अगर आप स्कोर कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लेवल 5 में, तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे डीवी के लिए। ठीक है, तो ये सारा जो डिटेल था आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 और लेवल 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।